Hello everyone, namaste, my name is Srishti and in today's video I'm going to show you some asanas which can be great for relieving the pain or soreness or swelling in your legs that is often caused due to varicose veins. आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसनास आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही आरामदायक रहेंगे अगर आपको वेरिकोज वेन्स है. वेरिकोज वेन्स होता है जब हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है. ड्यू टू लेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर लेग्स वी गेट वेरिकोज वेन्स. सो दीज एक्सरसाइजेस एंड आसनास विल हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन इन योर लेग्स जो कि फर्दर आपकी स्वेलिंग और सोरनेस पैरों में कम करेगी. स्पेशली व्हेन यू आर ओबीज दैट इज मोटापा और आपको बहुत ही लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता है या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे जैसे दिन ढलता है आपको एक ही फीलिंग एक पेन शुरू हो जाता है पैरों में. यू फील दैट वाइब्रेशन ऑफ पेन इन योर एंटायर लेग्स स्पेशली योर काफ्स एंड योर थाइस दैट इज ड्यू टू वेरिकोज वेन्स. So I'm going to show you some very simple asanas which can be very very helpful. चलिए शुरुआत करते हैं. In the first exercise, we'll come into sitting posture. This way, हमें अपने पैरों को सीधा रखना है और हमारी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. अगर पीठ हमारी सीधी नहीं हो पा रही है हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम अपने हाथों को बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में रखेंगे और यहां से हम अपनी पीठ को सीधी कर लेंगे. एंड देन फ्रॉम हियर पुल योर टोज अपने टोज को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर टेक देम अवे पुल देम अवे दिस वे. सो जब आप अपने टोज को अपनी तरफ पुल करेंगे यू फील द स्ट्रेच ऑल ओवर योर काफ्स. आपको यहां पे पूरा स्ट्रेच फील होगा. आपको ये 10 बार करना है दिस वे. Now for the next exercise, we're going to lie down on our back. Place your palms beside your hip. Fold one leg, एक पैर को मोड़ लेंगे और एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारी पूरी पीठ हमारी मैट पे दबी रहेगी. हमें अपने आर्च नहीं करना है बैक को. We're not going to arch our back. We have to push the entire spine on the mat. And then from here, lift one leg. Straight up and then bring it down बहुत ही controlled manner में. Again lift it up. In case आप पूरा पैर से ऊपर नहीं ला पा रहे हैं आप इसको 60 degrees तक भी रख सकते हैं. And then down. So आपको ये 10 बार करना है for 10 times each leg. एक चीज का ध्यान रहे कि हमें बहुत ही आराम से पैर को नीचे लाना है ना कि झटके से. So very slow bring it up. आपके टोज आपकी तरफ पुल करते रहेंगे एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन दिस वे जेंटली. नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू ब्रिंग बोथ आवर लेग्स अप एंड होल्ड इट फॉर 2 to 3 minutes दिस वे एंड यू आर गोइंग टू पुल योर टोज टुवर्ड्स यू. हम अपने टोज को अपनी तरफ खींचते रहेंगे और यहां से इसे होल्ड करेंगे. In case you have high blood pressure, अगर आपको high blood pressure है तो आप अपने पैरों को एक chair पे rest देंगे this way. हम अपने पैरों को पूरा ऊपर lift नहीं करेंगे ना ही hold करेंगे. अगर high blood pressure है हम अपने पैरों को यहाँ पे hold करेंगे this way. बहुत ही आराम से just stay here, relax. Relax here for 3 to 4 minutes. If you have any sort of back pain, अगर आपको किसी भी तरह का कोई back pain है, spinal problem, low back problem, तो आप इस exercise को एक wall के support से भी कर सकते हैं. It should be very easy. So for that, you have to face towards the wall, and then from here, sit this way. Slowly move closer to the wall, and then lift your leg. So you're going to lift your legs and take the support of the wall to do the exercise. You can place the palms beside and then rest your legs on the wall. Coming to the next exercise, हम फिर से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को एक सर्कुलर मोशन में
मूव करेंगे जैसे हम एक साइकिल चलाते हैं दिस वे. सो डूइंग इट फॉर 10 टाइम्स एंड देन रिलैक्स एंड देन यू कैन अगेन डू इट फॉर 10 टाइम्स. सो 2 to 3 रेपिटेशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर 10 टाइम्स विल बी वेरी गुड. बहुत ही आराम आराम से दिस वे. अगर आपको नी में बहुत पेन है और आप इसको सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर पा रहे हैं सो यू कैन ऑल्सो किक द लेग सिंपली. दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो फॉर नी पेन फॉर एंटायर लेग्स. नी के लिए काफ्स के लिए थाइस के लिए लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. नाउ नेक्स्ट आसना इज बदाकोनासना. And for that, we place our feet against each other. हम अपने पैरों के तलवों को एक दूसरे के अगेंस्ट रखना है यहां से दिस वे. और यहां से हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्ट्रेटन द स्पाइन. एडजस्ट योर हिप और अपने पैरों को टोस को पकड़ लेंगे दिस वे. We're going to hold here for few breaths. 5 लंबी सांसों के लिए आप होल्ड करना और यहां से बहुत ही जेंटली यू गोइंग टू कम इनटू अ बटरफ्लाई. 1 मिनट के लिए हमें एक्सरसाइज को करना है एंड देन स्लोली स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड. एक्सटेंड योर स्पाइन नॉट कर्विंग योर स्पाइन एक्सटेंडिंग योर स्पाइन जितनी देर आप आगे होल्ड कर सकते हैं. आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा ऑन योर काफ्स एंड योर थाइस एंड देन स्लोली कम अप. यू कैन अगेन कम डाउन होल्ड इट फॉर 3 to 5 लॉन्ग ब्रेथ्स. 3 से 5 लंबी सांसों के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं यहां पे एंड देन स्लोली कम अप. एंड फॉर द पीपल हु हैव नी प्रॉब्लम, जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम है जो इसे पैर नहीं मोड़ सकते उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है मैं आपको दिखाती हूँ. हमें अपने पैरों को थोड़ा सा वाइडली खोलना है जितना खोल सकते हैं आराम से दिस वे. जितना आपसे आराम से खोला जाए पैरों को आप उतना वाइडली अपने पैरों को खोलेंगे और यहां से धीरे धीरे हम अपने पाम्स से आगे वॉक करेंगे अपने हाथों से. टोज को अपनी तरफ खींचेंगे एंड देन होल्ड जितना आगे जा सकते हैं. इफ यू कैन होल्ड इट हियर यू कैन ऑल्सो स्टे हियर एंड देन स्लोली कम अप. सो दीज वर सम वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग आसनास. आप इन्हें 1 से 2 बार दिन में कर सकते हैं सुबह और शाम, स्पेशली जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं दिन में एंड यू डू दीज आसनास इन द इवनिंग यू विल फील सो रिलैक्स्ड. आपको बहुत ही लाइट फील होगा अपने लेग्स में. आप देखेंगे कि आपकी जो स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी अगर आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. नमस्ते.